हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में GSTR 10 के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फाइनल रिटर्न भरनी है या एनुअल रिटर्न भरनी है। GSTR 10 जो कि है फाइनल रिटर्न, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है या फिर उनके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है या उन्होंने GST नंबर अपना सरेंडर कर दिया है। जबकि GSTR 9 जो कि है एनुअल रिटर्न, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना GST नंबर सरेंडर नहीं किया है और वो रेगुलरली अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है एनुअल रिटर्न में और फाइनल रिटर्न में। जिन्होंने कैंसिल कर दिया है नंबर, उन्हें GSTR 10 फाइल करनी है और जिन्होंने कैंसिल नहीं किया है, उनको GSTR 9 फाइल करनी है। आगे जानेंगे कुछ और खास बातें GSTR 10 के बारे में और इसके बाद पोर्टल पर ये भी देखेंगे कि GSTR 10 कैसा दिखाई पड़ता है और उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे रीसेंट अपलोड्स आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं GSTR 10 के बारे में। व्हाट इज GSTR 10? क्या है GSTR 10? तो जिन्होंने भी अपना GST नंबर सरेंडर कर दिया है या फिर कैंसिल कर दिया है, ईदर वॉलेंटरली और अनविलिंगली, मतलब कि उन्होंने खुद से GST नंबर सरेंडर किया है या कैंसिल किया है, या फिर उनको अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑर्डर आया है सरेंडर करने के लिए, ईदर वॉलेंटरली और अनविलिंगली, तो उनको GSTR 10 फाइल करना है। जो इनके अलावा जितने भी बाकी टैक्स पेयर्स हैं जो कि रेगुलरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और उन्होंने GST नंबर सरेंडर नहीं किया है, तो उनके लिए नहीं है ये रिटर्न, ध्यान रखिएगा। उनको GSTR 9 फाइल करना है जो कि है एनुअल रिटर्न। GSTR 10 सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना नंबर सरेंडर कर दिया है। इस रिटर्न को फाइनल रिटर्न भी बोला जाता है और ये एनुअल रिटर्न नहीं है। इसके बाद व्हेन टू फाइल GSTR 10? GSTR 10 आपको कब फाइल करना होगा? तो विदिन 3 months ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज लेटर। और रिसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कि इश्यू हुआ था 26/10/2018 को, जिन भी टैक्स पेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है ऑन और बिफोर सेप्टेम्बर 2018, यानी कि 30 सितंबर 2018 से पहले जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उनके लिए GSTR 10 फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है और डेट है 31 दिसंबर 2018, यानी कि जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है सितंबर से पहले या सितंबर 30 सितंबर को, तो उनके लिए GSTR 10 फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। उससे पहले पहले आप अपना GSTR 10 फाइल कर सकते हैं। देन पेनल्टी क्या लगेगी लेट फाइलिंग के लिए? अगर आप अपना GSTR 10 लेट फाइल करते हैं तो आपको नोटिस इश्यू होगा कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी की तरफ से कि आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए। अगर आप उस 15 डेज में भी अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा वो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए ऑर्डर इश्यू कर सकता है। फाइनल रिटर्न वर्सेस एनुअल रिटर्न, अब हम जानते हैं कि फाइनल रिटर्न क्या है और एनुअल रिटर्न क्या है। तो फाइनल रिटर्न है GSTR 10 जो कि भरनी है सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने अपना नंबर सरेंडर किया है, और एनुअल रिटर्न है GSTR 9 जो कि भरनी है बाकी उन सबको जो कि रेगुलरली अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उन्होंने अपना नंबर सरेंडर नहीं किया है। इसके अलावा 5 तरह के लोग और भी हैं जिनको कि GSTR 10 फाइल नहीं करनी है। तो कौन है वो 5 तरह के लोग? पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस, तीसरे हैं पर्संस कलेक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51, देन फोर्थ है पर्संस कलेक्टिंग TCS अंडर सेक्शन 52 और फिफ्थ है कॉम्पोजिशन डीलर्स। तो इन लोगों को भी GSTR 10 फाइल नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि GST पोर्टल पर हमें GSTR 10 कैसा दिखाई पड़ेगा और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होंगी। सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है और वहां पर जब आप सर्विसेज में देखेंगे तो आपको ये फाइनल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा और इसे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया है या सरेंडर नहीं किया है तब आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के केस में मिलेगा अगर आपने GST नंबर अपना सरेंडर कर दिया है या कैंसिल कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सरेंडर कर देने के बाद भी आपका जो लॉगिन और पासवर्ड है वो एक्टिव रहेगा जब तक कि आप अपनी फाइनल रिटर्न यानी कि GSTR 10 फाइल नहीं कर देते और वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तो आपका लॉगिन पासवर्ड तब तक एक्टिव रहेगा। आप लॉगिन करके और अपनी रिटर्न्स को व्यू भी कर सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं। फाइनल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर हमें 2 points भी दिए हुए हैं। इट इज मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म GSTR 10 फॉर द टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) वंस रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड और कैंसिलेशन ऑर्डर इज इश्यूड, यानी कि मैंडेटरी है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल किया है या आपको ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का, तो आपके लिए मैंडेटरी है GSTR 10 फाइल करना।
Nil return can be filed in case there are no inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods. यानी कि अगर आपके पास कोई closing stock नहीं है, कोई inputs नहीं है, कोई value नहीं है, तब भी आपको nil GSTR 10 file करना mandatory है. इसके बाद यहाँ पर option आ जाएगा आपके पास GSTR 10 फिल अप करने का. यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन. अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन का यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर ऑनलाइन से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी. यहाँ पर GSTR नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर, स्टेटस, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर सब ऑटो पॉपुलेट हो रहा है. इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेफरेंस नंबर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और ड्यू डेट. इसके बाद आपको एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस देना है. देन सीए सर्टिफिकेट मांग रहा है यहाँ पर. तो सीए सर्टिफिकेट किस केस में देना है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी कि आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है, तब उस केस में आपको सीए सर्टिफिकेट देना होगा. लेकिन अगर आपके पास इन्वॉइसेस हैं गुड्स की, तो उनके लिए सीए सर्टिफिकेट कंपल्सरी नहीं है. सबसे पहले चलते हैं एड्रेस पर. जब आप एड्रेस वाले बार पर क्लिक करेंगे एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ये स्क्रीन आएगी और आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना है. जो भी आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कॉरेस्पॉन्डेंस रहे डिपार्टमेंट के साथ, वो वाला एड्रेस यहाँ पर देकर और सेव कर देना है. सेव करने के बाद आपके पास आएगा मैसेज, रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली. इसके बाद सीए सर्टिफिकेट की डिटेल्स में आपको यहाँ पर देना होगा नेम ऑफ द फर्म इशूइंग सर्टिफिकेट. जो भी सीए फर्म है जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है, उसका नेम देना होगा, नेम ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट. और इसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड भी करना है और 500 KB का उसका साइज होना चाहिए. सीए डिटेल्स को सेव कर देंगे और आपके पास मैसेज आ जाएगा अपलोड इज सक्सेसफुल. अब हम देखते हैं कि हमको डिटेल्स कैसे फिलअप करनी होंगी गुड्स की. सबसे पहले हम आते हैं 8A, 8B एंड 8C गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइस, यानी कि जिनकी इनवॉइस है हमारे पास. जब हम इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर हमसे पूछेगा एड डिटेल्स. एड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर आपका GST में रजिस्ट्रेशन है या VAT में रजिस्ट्रेशन है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है. अगर GST सेलेक्ट करते हैं तो आपको GSTR नंबर देना है, सप्लायर नेम ऑटो पॉपुलेट होगा, इनवॉइस का नंबर देना है, इनवॉइस की डेट देनी है और इसके बाद गुड्स की डिटेल्स देकर उसे सेव कर देना है. इन केस कि आपका रजिस्ट्रेशन VAT में है तो आपको यहाँ पर VAT सेलेक्ट करना है. VAT सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपके पास VAT रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको VAT का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, इनवॉइस नंबर देना है, इनवॉइस डेट देनी है और अपने गुड्स की डिटेल देकर यहाँ पर सेव कर देना है. इन्वॉइसेस सेव कर देने के बाद आपने जितनी भी इन्वॉइसेस वहाँ पर सेव करी हैं तो आपके पास यहाँ पर नंबर भी आपको शो करेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो आपको शो करेगा. इसके बाद चलते हैं 8D पर, गुड्स डिटेल्स विदाउट इन्वॉइसेस, यानी कि जिस केस में हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं है गुड्स की. इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी हमसे पूछेगा कि एड डिटेल्स. और यहाँ पर अगर आप GST में रजिस्ट्रेशन है या VAT में रजिस्ट्रेशन है, वो आपको यहाँ से चूज करना है. GSTR नंबर डालना है, सप्लायर नेम ऑटो पॉपुलेट होगा और यहाँ पर आपको अपने गुड्स की डिटेल्स देकर सेव कर देना है. अगर आपका रजिस्ट्रेशन VAT में है तो आपसे VAT का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और उसके बाद आपको अपने गुड्स की डिटेल्स देनी है और उसे सेव कर देना है. 8D के केस में भी ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो करेगा कि आपने कितनी इन्वॉइसेस यहाँ पर एंटर की हैं. अगर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अगर आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा है तो आपको टैक्स पेबल वाले कॉलम में यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और आपको लाइबिलिटी पे करनी होगी. 8D के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ऐसे गुड्स हैं जिनकी इन्वॉइसेस अवेलेबल नहीं हैं और आपने इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट नहीं दिया है एंट्रीज को एंटर करते समय, तब आपको यहाँ पर सीए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और आपको सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा उन गुड्स के लिए जिनकी कि आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है. अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है तो उसे पहले पे करिए, उसके बाद ही आप GSTR 10 को फाइल कर पाएंगे. ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिए कि GSTR 10 में सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही से फिलअप की है और इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं. आई होप कि अब आपको GSTR 10 फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. छोटा सा वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.